हेलो एवरीवन। तो आज ही मेरा सेकंड एग्ज़ाम डे, तो अभी मैं 5:30 बजे हैं और मैं निकली हूँ एग्ज़ाम देने के लिए। जब फर्स्ट एग्ज़ाम का मैंने वीडियो भी डाला था, तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसे देख लीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो जो फर्स्ट एग्ज़ाम था तो उसमें तो मैंने वॉइस नहीं डाला था, क्योंकि उस टाइम मेरी वॉइस बहुत ज़्यादा ख़राब थी, निकल ही नहीं रही थी। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तो आज हम लोग का सेकेंड एग्ज़ाम डे है और आज हम लोग का हिंदी का एग्ज़ाम है, हिंदी लिटरेचर एंड ऑब्जेक्टिव का था। तो अभी हम लोग निकले थे और मैं निकलती हूँ, फिर हम लोग सारे फ्रेंड जब सब इकट्ठा होते हैं उसके बाद जाते हैं साथ में। तो हम लोगों को जाना पड़ता है शुक्लागंज, वहीं हम लोगों का सेंटर है और वहीं हम लोगों का मतलब कॉलेज वहीं पर है सब। तो जो कॉलेज था वही सेंटर है, तो वहीं हम लोग जा रहे हैं अभी अपने कॉलेज। इतनी सुबह सुबह मौसम बहुत अच्छा रहता है और जल्दी निकलते भी हैं, एग्ज़ाम भी ऐसे टाइम पर है तो काफ़ी ठंडा रहता है और अच्छा भी लगता है। और मुझे बताइएगा मेरी मेहंदी कैसी लगी है। कॉलेज के पास पहुंच चुके हैं और यहाँ पर अभी एक फ्रेंड का वेट हो रहा है, वो आने वाली है, तो इसीलिए उसका सब वेट कर रहे हैं कि वो आए तो चले। तो यहाँ से बस 5 मिनट का रास्ता हम लोगों का बचता है कॉलेज का। कॉलेज का नाम स्वामी विवेकानंद है शुक्लागंज में। तो यहाँ हम लोग आधा रास्ता क्रॉस कर चुके थे, आधे से आधे ही थोड़ा सा रास्ता बचा था और आलमोस्ट पूरा आधा घंटा लग जाता है आने में ऐसे ई रिक्शे से आते हैं। तो बस अभी हम लोग अपने कॉलेज पहुंचने वाले हैं और पहुंच ही गए हैं। तो ये जो रास्ता है ये बहुत ज़्यादा ख़राब है और इस रास्ते से में ही काफ़ी टाइम लग जाता है। और सबसे यूनिक बात यहाँ पर ये है ना कि कॉलेज ऐसी जगह पर है कि बिल्कुल सन्नाटा, दूर दूर तक कोई परिंदा भी नहीं नज़र आता है। बहुत सन्नाटे वाली जगह पर कॉलेज है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि बिल्कुल खेत है, खेत के बीचों बीच बस एक मॉडल खड़ा कर दिया गया है ऐसा लगता है। आप खुद ही देख सकते हैं वीडियो में, आसपास कुछ भी नहीं है वहाँ पर। तो पता नहीं कैसे मैं चली गई थी वहाँ पे, सबसे बड़ी गलती मैंने ये करी थी जाने की। तो खैर अब मेरा थर्ड ईयर है, बस जल्दी से मैं खुद चाहती हूँ कि ये एग्ज़ाम ख़त्म हो और मेरा यहाँ से पीछा छूटे। अभी हम लोग का एग्ज़ाम हो चुका है और हम लोग जा रहे हैं अपने घर। बट यहाँ एक प्रॉब्लम ये हो गई थी कि हम लोगों ने रिक्शे वाले भैया को बताया था कि आज हम लोग का ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है और जल्दी आ जाएंगे 9 बजे, क्योंकि 2 घंटे में हो जाता है वो। बट उन्हें ध्यान नहीं रहा लगता है, तो वो थोड़ा लेट आए थे, उनके पास फ़ोन भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो 9:30 बजे तक आ गए थे। तो हम लोगों को थोड़ा सा रास्ता जो ये अपने कॉलेज के रोड तक का रास्ता, ये हम लोगों को पैदल ही जाना पड़ा था, तो हम लोग पैदल ही गए थे। उसके बाद फिर वहाँ जब गए तो वो वहाँ आ गए थे। तो मुझे तो ज़्यादा जल्दी तो जाने की, क्योंकि मैं जहाँ टीचिंग करती हूँ मैं स्कूल में, तो वहाँ मैंने बात भी कर ली थी कि मैं हाफ टाइम से आ जाऊँगी पढ़ाने के लिए, तो इसीलिए मुझे वहाँ भी जाने की जल्दी हो रही थी। और वहाँ से छुट्टी भी 2 बजे होती है और मेरी फ्रेंड्स ने तो मना किया था कि मत जाओ, क्योंकि यहाँ से अब थक हार के जाओगी, फिर स्कूल जाओगी, वहाँ 2 बजे तक बैठना पड़ेगा, 2 बजे तक पढ़ाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैंने बात कर चुकी थी, इसलिए मैं फिर जल्दी जल्दी अपने टाइम से, खैर 10:30 बजे के आसपास मैं स्कूल पहुँच गई थी, फिर वहाँ से 2 बजे के बाद छुट्टी हुई थी स्कूल की। तो बस अभी हम लोग अपने घर पहुँचने वाले थे और मैं तो अपने स्कूल चली गई थी और जल्दी जल्दी में मैंने कोई शूट नहीं किया था, क्योंकि मुझे काफ़ी देर हो गई थी और स्कूल जाने की भी जल्दी हो रही थी। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा और सबको शेयर कर दीजिएगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।